OMR सीट है उसको स्टार्टिंग में नहीं भरनी है आपको, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके CAPF 2024 एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स आसानी से बढ़ाए जाएंगे। मेरा नाम प्रेम सिंह मीना है, मैंने UPSC CAPF एग्ज़ाम 2023 में ऑल इंडिया रैंक 287 हासिल की है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन बातों पर चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से अगर स्टूडेंट उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो कर लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके CAPF 2024 एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। अब हम उन बातों पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले आप अपना जो डेली रूटीन है उसे चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स का जो स्लीपिंग टाइम है वो अलग रहता है, जैसे कि भाई वो रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। अगर मान लो आप रात में पढ़ रहे हो और आप एग्ज़ाम के दिन जा रहे हो वहाँ पर और आपको दिन में नींद आ रही है तो आपका पेपर सही कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको जो आपका स्लीपिंग टाइम है उसे चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही में जो आपके फूड हैबिट्स है उन्हें भी मतलब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप बीमार पड़ जाते हो या एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ जाते हो तो वो फिर आपकी जो साल भर की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। साथ ही में जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें तो आप यह इंश्योर कर लें कि आपके पास एडमिट कार्ड और जो भी आइडेंटिटी कार्ड वहाँ मांगे जा रहे हैं वो आपके पास हो। तीसरा कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर टाइम पर पहुँचना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें एंट्री नहीं मिल पाती। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि टाइम पर पहुँचना है। जैसे आप वहाँ आधा घंटा या एक घंटे पहले पहुँच सकते हो जिससे आपको वहाँ जाकर सेंटर का पता लगाया जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार सेंटर जैसे लेट हो गए गलती से तो सेंटर की नर्वसनेस जो बढ़ जाती है कि सेंटर नहीं मिल पा रहा, कि सेंटर की मतलब दूर है पास है, तो उसका आपको ध्यान रखना। उसके बाद में आराम से काम होकर वहाँ बैठे आप, उसके बाद में जब आपको पेपर दिया जाता है तो सबसे पहले आप पेपर को ले और जो OMR सीट है उसे भी आपके अपने पास ले और एक जो पेपर है उसको सबसे पहले आप देखें कि भाई पेपर किस प्रकार का है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ ले, मतलब अपनी नज़र घुमा ले। बाद में जब आप पेपर को स्टार्ट करते हो तो ये जो OMR सीट है उसको स्टार्टिंग में नहीं भरनी है आपको, मतलब कुछ समय ले सकते हो 5 से 10 मिनट का, क्योंकि कई बार ये देखा गया कि जैसे कई स्टूडेंट्स कि भाई जैसे टीचर ने OMR को मतलब डिस्ट्रीब्यूट की तो जो कई बार जो OMR है उसको मतलब गलत बांट दी जाती है। अगर आपने गलत OMR सीट फिल कर दी तो आपका जो पेपर है वो चेक भी नहीं हो पाएगा बाद में, तो ये आप पहले ही इंश्योर कर ले कि भाई OMR सही है और जो टीचर है उसे मतलब कन्फर्म कर लें, उसके बाद ही जो आपका पेपर है उसे स्टार्ट करें। अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि जो पेन है, मतलब कि भाई पेन GS पेपर 1 में पेन का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो हम OMR सीट भरते हैं उसमें कई बार कई बच्चे जो पेन का जो MM साइज़ है वो कई बार मोटा कई बार पतला पेन ले जाते हैं, तो हमें जो GS 1 जो पेपर है उसके लिए 0.5 mm का पेन का उपयोग किया जाना चाहिए और जो GS पेपर 2 है उसके लिए हमें 0.7 mm का पेपर पेन यूज़ किया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेन हम वहाँ पर 2 ले जा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेन अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो पेन भी शायद बंद हो जाए बीच में, तो आप 2 पेन ज़रूर ले जाइए। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पेपर 1 है उसको किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, मतलब किन बातों का आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले आप पेपर को पढ़ें और पेपर में देखें कि भाई कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लो कि आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, जैसे जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग है साइंस, तो इसमें जो आपको लगे कि ये क्वेश्चंस 100% राइट है, मैं इनको अच्छे से कर सकता हूँ, उन्हें आप अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद में जो कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं तो उन्हें मतलब सेकंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए, और कुछ जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता ही नहीं है कि भाई ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है और उसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो उन्हें आप थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करें, और इस प्रकार से आपका पेपर को आपको कंप्लीट करना है। साथ ही में हमें फर्स्ट पेपर के दौरान ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो मैथ और रीजनिंग का वाला सेक्शन है उसे आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई जिसमें मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप जैसे आपने पहला राउंड किया पेपर क्वेश्चंस
उसमें आपने कोई कुछ क्वेश्चंस कर लिए, सेकंड राउंड आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें आप मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हो जिनमें आपको देखकर लग रहा है कि हाँ यार ये तो एक मिनट में या डेढ़ मिनट में आसानी से हो रहा है क्वेश्चन सोल्व, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके लिए आप मतलब उसे आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी के बाद में जो तीसरा राउंड है उसमें आप जो क्वेश्चंस आपको मतलब बिल्कुल नहीं आ रहे या फिर जो मतलब जिनमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है तो उन्हें आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और एक क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है स्टूडेंट को मतलब ये रहता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाने चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा कि यार अगर पेपर आपके टाइप का आया है कि भाई आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आया है और आपके टाइप का आया है, तो आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट मतलब उनकी संख्या बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि पेपर डिफ़िकल्ट है तो जो पेपर है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, सभी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप जो क्वेश्चंस की संख्या है उसको घटा सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो आप 90 से 100 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर पेपर मॉडरेट टू ईजी है तो आप 100, 105, 105, 107 इतने क्वेश्चंस तक जा सकते हो। दूसरा एक सवाल ये भी है कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है इस बार। मुझे लगता है कि इस बार जो कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे वैकेंसीज भी इस बार ज़्यादा है, तो जो जनरल की कट ऑफ है फर्स्ट पेपर की, अगर पेपर मॉडरेट या इजी रहता है तो 110 के आसपास रहने वाली है, और डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो 100 या 102 के आसपास रहने वाली है। अब हम जो फर्स्ट पेपर में आपको यही ध्यान रखना है, उसके बाद में जब आपको जो OMR है वो साथ के साथ भरनी है, जैसे आपने साइंस वाला पोर्शन किया तो OMR को साथ के साथ ही फिल करना चाहिए। साथ ही में जब आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आप सेंटर से बाहर निकले और अब अपना जो भी भोजन है वो आप मतलब खा सकते हो, और शांति से मतलब आप एक जगह जाके वहाँ बैठ सकते हो। बैठकर आपको कुछ नहीं करना कि फर्स्ट पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार ऐसा लगता है कि पहला जो पेपर है वो सही नहीं हुआ है, तो उसके चक्कर में आप अपना जो सेकंड पेपर है उसको बिगाड़ दोगे। इसलिए आप फर्स्ट पेपर पर उस समय बिल्कुल फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ आपका जो फोकस है वो होना चाहिए सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के लिए आपके पास जो 2 घंटे हैं उसमें आप जो ग्रामर में जो फ्रेजल वर्ब है उनको रिवाइज़ कर सकते हो एक तो, और दूसरा अगर आपके पास कोई डाटा लिख रखा है आपने उस डाटा को भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। और उसके बाद में आपको टाइम देखना चाहिए कि कितना टाइम बाकी है, तो 15 से 20 मिनट पहले आप सेंटर पे जा सकते हो, वहाँ जाके बिल्कुल काम होकर बैठना है आपको, बिल्कुल काम रिलैक्स। आप वहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हो, मतलब सांस भी ले सकते हो ऊपर, और उसके बाद में आप पेपर को देखो और बिल्कुल आराम से। पेपर ऐसा तो है नहीं कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आपने जो पढ़ा है उसी में से पेपर आने वाला है, बिल्कुल आपने जिस हिसाब से मॉक दिए हैं उसी के हिसाब से पेपर आएगा। उसमें सबसे पहले तो सेकंड पेपर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसे कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको सेकंड पेपर में जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर वाला सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपको अच्छे से आता हो तो 17 से 20 नंबर आप आसानी से पा सकते हो, क्योंकि और फिर अगर आपने वो 17 से 20 नंबर अगर आसानी से ले लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है आगे पेपर करने का वो इतना हो जाएगा कि भाई हाँ मैं इस पेपर को टाइम से कर सकता हूँ। कई बार यही होता है कि पेपर टाइम से नहीं हो पाता, तो सबसे पहले आपको ग्रामर करनी है, उसके बाद में पेपर को अटेम्प्ट करना है आपको, जिसमें फिर उसके बाद में आप जैसे सेकंड पेपर है सबसे पहले आपको ग्रामर करनी है, इसके बाद में करना है आपको ऐसे आपको 6 ऐसे मिलेंगे, उनमें से आपको 4 ऐसे लिखने होंगे और प्रत्येक ऐसे 300 वर्ड के होंगे। आपको ऐसे में टाइम मैनेज करने के लिए आप ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि आपको 300 वर्ड लिखने, आप ऐसे में 270 से 280 वर्ड भी लिख सकते हो, मोर देन सफिशिएंट है। साथ ही में आपको ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे में आपको सबसे पहले कोई भी ऐसे आए, अगर आपको कोई भी कोटेशन याद है तो ऐसे को कोटेशन से स्टार्ट करना है आपको। कोटेशन के साथ साथ हमें दूसरा जो भी आप कोटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो या ऐसे को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो जो डायमेंशंस है, जैसे कि भाई जनरली ये डायमेंशन यूज़ किया जाता है कि पेटल की पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हो और उन्हें फिर बाद में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो।
और ऐसे सेकंड पेपर में आपको एक और बात का ये ध्यान रखना है कि पेपर को मैं काटा खींची नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जो पेपर जो ऐसे लिखे थे मैंने सारे ऐसे एवरेज लिखे थे और मुझे लग रहा है कि जो मेरा सेकंड पेपर है उसमें मतलब एवरेज अच्छे नंबर मिले हैं मुझे। मैंने अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई ना बीच में तो मैंने उन्हें काटा नहीं था, जो मैंने एक बार लिख दिया, क्योंकि अगर मैं काटूंगा फिर वापस दूसरे पेज में लिखूंगा तो फिर वो टाइम वैसे भी टाइम बचेगा नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने जो एक बार लिख दिया उसे फिर काटा नहीं था। साथ ही में ऐसे के लिए जो तीन पेज बचते हैं वो आपको पूरे भरने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे पास कंटेंट नहीं है। अगर आपके पास जैसे मान लो कि एक एक टॉपिक ले लेते हैं अपन, भूमिहीन पर कोई ऐसे आ जाता है तो आपको हर हाल में लिख के आना है। अब वुमेन पर कोई भी मतलब किसी भी टाइप में आ सकता है कि वुमेन का स्पोर्ट्स में क्या रोल है, वुमेन का इस बार पार्लियामेंट में क्या कितना रोल है, क्या भूमिका है। तो अगर इस पर आ गया तो आपको ये डायमेंशन तो लिखना ही लिखना है कि वुमेन का पार्लियामेंट में रोल है। इसी के साथ साथ और डायमेंशन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी पार्लियामेंट को लेकर नहीं है तो। इसके बाद में और साथ ही में ऐसे में हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि जो हम जीएस के लिए पढ़ते हैं जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी, प्रीएम्बल और साथ ही में फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है मतलब एवरग्रीन चीज़ है। इन्हें हम जीएस 1 के साथ साथ जीएस पेपर 2 में हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, ऐसे के बाद में आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के साथ साथ आप रिपोर्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हो। इससे आपके जो नंबर है, जो आपका आंसर की जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम कई बार जनरल आंसर लिख देते हैं लेकिन आप उसमें डालोगे कि ये फंडामेंटल राइट है इस तो ये ऐसे कहता है, तो उससे आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। साथ ही में तीसरा हम डिस्कस करते हैं कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में हमें बिल्कुल जो फॉर्मेट है बेसिक उससे फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले जैसे हमें इंट्रो लिखना है, क्योंकि कई बार मतलब मेरे जो साथी है मैंने देखा है कि भाई वो इंट्रो नहीं लिखते, सीधे जो फॉर और अगेंस्ट में जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिख देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो के साथ साथ बॉडी में जो फॉर फेवर में अगेंस्ट में जो पॉइंट है उन्हें बिल्कुल अच्छे से पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। ऐसे को आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में या डायग्राम नहीं बनाना है, आपको बिल्कुल आर्ग्यूमेंट को ही पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। और लास्ट में कॉन्क्लूजन आपको जरूर लिखना है इसमें, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो मतलब कोई भी बात आप कह रहे हो तो उसको मतलब उसको अंतिम करना भी आपका ही आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपको कॉन्क्लूजन भी उसमें लिखना जरूरी है। तीसरा हमारा टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल आप अच्छे से रट लो कि सबसे पहले क्या लिखना, प्लेस लिखना है, नाम लिखना है, वो फॉर्मेट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। साथ ही में रिपोर्ट में कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि भाई जो इस रिपोर्ट है उसे किस टेंस में लिखी जानी चाहिए। रिपोर्ट को आपको पास्ट टेंस में लिखना है। पास्ट में आप सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हो कई जगह, और कई जगह आपको सिंपल जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसे यूज़ करना है रिपोर्ट में। साथ ही में आप रिपोर्ट में इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है, क्योंकि इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि भाई जैसे कोई इंसिडेंट हुआ और उसे हम जैसे वो इंसिडेंट हुआ उसे हम बता रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसे जो उन्होंने बोला है जैसे बोला है तो उसे ही हमें आगे उसको फॉरवर्ड करना है मैसेज को, तो वो रिपोर्ट है। साथ ही में लास्ट में हमारा बचता है कि प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन्हें आप पैसेज के आधार पर ही लिखना है आपको। कई बार क्या होता है कि पैसेज में जैसे कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक आ गया तो स्टूडेंट हिस्ट्री उसे पता होती है कि भाई मैंने पढ़ रखा है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है कि वो टॉपिक है उससे बाहर उसमें लिखने लग जाता है, जबकि वो वहाँ पर इरेलीवेंट नहीं है। आपको सिर्फ पैसेज के अंदर से ही आपको जो पैसेज में क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखने होंगे। साथ ही में लास्ट हमारा टॉपिक है प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जनरली जो कई जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो कई बार समझ में नहीं आता, तो मैं प्रेसी राइटिंग के लिए इतना कहूँगा कि प्रेसी राइटिंग आपको सबसे पहले जो पैसेज दिया है, जो पैसेज है उसे आपको पढ़ना चाहिए। एक बार आप उसे पढ़ एक बार रीड कर लो,
उसके बाद में जो पैसेज का जो थीम है कि भाई ये पैसेज किस बात किस चीज़ को लेकर बात कर रहा है, तो उसे दिमाग में फिट कर लो। और जो भी जैसे 130 वर्ड्स में लिखना होता है, तो पैसेज के अंदर से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो पैसेज के अंदर से ही आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ले सकते हो और कनेक्ट करके एक पैसेज बना सकते हो। उसे भी 3-4 पैसेज में लिखना है। और प्रेसी राइटिंग में एक इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेसी राइटिंग में आपको काटापिटी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में पहली बार तो नंबर एवरेज मिलते हैं, और अगर उसमें भी आप काटापिटी करोगे तो फिर आपके लिए माइनस मार्किंग हो सकती है। इसलिए प्रेसी राइटिंग को आप बिल्कुल काटापिटी नहीं करनी है, और पेपर को बिल्कुल काम तरीके से बिल्कुल अब बिल्कुल काम रहिए आप, क्योंकि इस समय ऐसा है कि आप आपके साथ भी आपको भी नर्वसनेस फील हो रही होगी, यार क्या पता है पेपर कंप्लीट होगा, पेपर अपने टाइप का आएगा या नहीं आएगा। तो वो दिक्कतें सबके साथ होती थी। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मुझे भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और मैं अब अंत में इतना ही कहूँगा यार कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ तो इंडिया का कोई भी एस्पिरेंट्स तो CAPF की दिल से तैयारी कर रहा है वो इसे आसानी से क्रैक कर सकता है। और लास्ट में यार ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।